वॉइस चेक कर लीजिए। हेलो हेलो सुनिए, यूट्यूब में मैं बोल रहा जैन बच्चों, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेजर कल्सी क्लासेस पर। और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स की डेली डोज। तो हम इस करंट अफेयर्स के डेली डोज के साथ आपके साथ रोज सुबह 7 बजे मिलते हैं। तो आपके जितने भी साथी हैं, आप उन सभी साथियों को बताएं कि सुबह 7 बजे क्लास चलती है करंट अफेयर्स की। और ये करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये तो आपको 3rd of September का एग्जाम बताएगा कि 3rd of September के एग्जाम में यहाँ से कितने सवाल आते हैं और किस पैटर्न पर आते हैं। ठीक, हम हूबहू वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो आपका UPSC, CDS और NDA और CPF के एग्जाम में फॉलो करता है। और बाकी के जो छोटे छोटे एग्जाम हैं उसके हिसाब से भी हम अपने यहाँ पर न्यूज क्लिप को तैयार करते हैं। ठीक, तो चलिए, आपका सभी का एक बार फिर से जय हिंद, गुड मॉर्निंग, आप सभी को स्वागत है। फटाफट सेशन को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, अपने जितने भी साथी हैं सबको भेजिए ताकि वो सभी लोग लाभ उठा पाए। और हमारा इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। रंजन जी, जी सर, बिल्कुल, जय श्री राम आप सभी को, राधे राधे, जय श्री राम, सीताराम। ठीक, जय हिंद, जय भारत आप सभी के लिए हमारी तरफ से। चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को शेयर कर दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा आनंद, हम बहुत जल्दी ही इस पर वीडियो बनाने वाले हैं कि आर्मी मैच का फॉर्म कब आएगा। तो आप चिंता मत कीजिए, बहुत जल्दी ही अभी आपको सौरभ सर कुछ ना कुछ इस पर सूचना जरूर दे देंगे। हाँ, हम एक बार उनसे बोल देंगे, अब बात कर लेंगे उनसे एक बार सर से। ठीक है, ठीक, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को बिना देर किए हुए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है वो डेफिनेट है कि समय उसे बर्बाद कर देता है। तो समय को बर्बाद ना करें। एक बात मैं आपको और सभी को बता देता हूँ, कुछ बच्चों के कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो मुझे काफ़ी नेगेटिव टाइप के लगते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अब कुछ अच्छी चीज़ों का विरोध हमेशा शुरुआत में होता है। तो आप में से कुछ लोग होंगे, एक आध दो लोग व्यक्ति ऐसे हैं जो मुझे लगता है कभी कभी बहुत नेगेटिव व्यू में चले जाते हैं। तो उन सभी से रिक्वेस्ट और अनुरोध है कि वो इन माया जाल में ना फंसें तो ज़्यादा अच्छा है। आप बस कंटेंट की क्वालिटी, कंटेंट की डिलीवरी आप दोनों देखिए। यदि आपको फिर भी कोई ऐसा लग रहा है तो आप हमें सजेशन भेज सकते हैं, क्योंकि सजेशन हमेशा आपके लिए स्वागत करते हैं, हम आपके सुझावों का हमेशा स्वागत करेंगे। और जो कुछ आपको लगता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हमको और ज्यादा ऐड करना चाहिए या फिर कुछ और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप हमेशा हमको अपने विचारों से अवगत कराते रहिए, सूचित करते रहिए कि और क्या किया जा सकता है। ठीक, हाँ, लेकिन कंटेंट क्वालिटी और डिलीवरी और पैटर्न को हूबहू मैच करने की गारंटी हमारी तरफ से है। मेरे कल की क्लासेस जिस चीज के लिए जानी जाती है वो है अपना स्टैंडर्ड और क्वालिटी। तो स्टैंडर्ड क्वालिटी को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, चाहे आपको कितना अच्छा लगता है कितना अच्छा नहीं लगता है। कई बार आप इंजेक्शन लेने जाते हैं वो दर्द करता है, उसके बावजूद भी जरूरी है कि आपकी बीमारी को ठीक किया जाए। तो आपकी बीमारी को ठीक करने, करंट अफेयर्स की बीमारी को ठीक करने के लिए ही इस क्लास को यहाँ कंडक्ट किया जाता है। और आप सभी ना भूलिए बिल्कुल भी, सेशन को शेयर कीजिए और फटाफट सेशन को लाइक कीजिए जिससे कि सभी लोग जुड़ पाए। सर कितने आर्स का है, कितने आर्स का है, क्या ये जो सेशन है ये अभी तो बस कुछ ही 30 से 45 मिनट के बीच में रहेगा। बाकी हम लोग अलग से इसके लिए हम लोग, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ 3rd of September का जो एग्जाम है, जो हमारा जो कुछ पहला करंट अफेयर छूटा तो नहीं हुआ है, चैनल पर उसे कवर किया गया है, लेकिन हम उसके क्वेश्चंस के साथ आने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप तैयार रहिएगा। सबसे पहले हम बैक को शुरू करेंगे, जैसे 10 जुलाई से 10 अगस्त वाला चैप्टर छोड़ देंगे, क्योंकि हमेशा ही एक बात और जान लें आप सभी को इस बात की मैं इत्तला कर देता हूँ, सूचित करता हूँ कि जो भी एग्जाम कंडक्ट होता है हमेशा ही उसमें करंट अफेयर्स का जो ट्रेंड होता है पूछे जाने का, उस ट्रेंड को एनालिसिस करने के बाद आप इस निष्कर्ष पर पहुंचोगे। जैसे मैं आपको थोड़ा पहले निष्कर्ष बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम लगा हुआ है 3rd of September को, कब लगा हुआ है, 3 सितंबर को आपका एग्जाम है।
तो आप समझ लीजिए कि 3 सितंबर से कम 20 दिन पहले की चीजें नहीं पूछी जाएंगी। इसका मतलब है कि 13 अगस्त तक की चीजें तो नहीं आने वाली। आप मान लीजिए कि चलिए आप 15 अगस्त तक की चीजें पढ़ सकते हैं, 15 अगस्त के बाद की चीजें आपके पेपर में यानी आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, ये तय है। लेकिन अब इस 15 अगस्त से हम लोग 1 महीने पीछे चलते हैं। अगर हम 15 अगस्त से 1 महीने पीछे चलेंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे बेटा? आप पहुंच जाएंगे 15 जुलाई। तो 15 अगस्त से लेकर के 15 जुलाई वाला जो रीजन है, ये जो 1 महीना आपका पीछे की ओर बैठेगा, सबसे ज्यादा सवाल अगर करंट अफेयर्स के आएंगे तो सबसे ज्यादा सवाल इसी ड्यूरेशन से आएंगे, 15 अगस्त से लेकर के 15 जुलाई तक के। फिर इसका मतलब है कि अभी जो सेशन चल रहा है, हमारी अभी जो क्लासेस चल रही है, ये ज्यादा और महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा यूपीएससी मतलब जो भी एग्जाम होगा आपका 3 सितंबर को लगा हुआ है, सबसे ज्यादा खबरें इस महीने से पूछेगा। हम बैक में चलेंगे थोड़ा सा, तो 15 अगस्त तक तो नहीं पूछे, 15 अगस्त के बाद की बिल्कुल नहीं पूछेगा। 15 अगस्त से 15 जुलाई 1 महीना हो गया, 15 जुलाई से लेकर के 15 जून, तो 15 जून फिर इस महीने से आएंगे, यानी सबसे पहले सबसे ज्यादा आएगा 15 अगस्त से 15 जुलाई के बीच में, फिर 15 जुलाई से लेकर के 15 जून के बीच का आएगा, फिर 15 जून से लेकर के फिर 15 मई तक का सबसे ज्यादा आएगा, फिर 15 मई से 15 अप्रैल तक का आएगा। तो ऐसे ये पीछे बैक करता चला जाता है महीनों को, और सवालों की जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं उस महीने से धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाते हैं। अगर मान लें करंट अफेयर से 10 या 15 क्वेश्चन मानते हैं, मान लें 15 आते हैं, 12 या 10, 10 12, 10 से 15 के बीच में वैरी करता है करंट अफेयर। अगर मान लेते हैं कि 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 में से आप मान के चलिए कम से कम 7 से 8 सवाल आपको इस 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त से लेकर के 15 जुलाई के बीच में मिलेंगे। फिर आपको मिलेंगे कम से कम 4 से 5 सवाल मिलेंगे, तो फिर 15 जुलाई से लेकर 15 जून तक फिर एक एक दो दो सवाल आएगा पीछे वाले महीने से। तो हमेशा ही जब एग्जाम दे रहे होते हैं तो एग्जाम का जो ठीक 1 महीने वाला पहला एक जो पहला महीना होता है ठीक पीछे वाला, उससे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको उस पर हमेशा कमांड कसके रखनी है। तो हम 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त के सेशन को भी दोबारा रिवाइज करेंगे, कुछ क्वेश्चन के साथ आएंगे, कुछ नई खबरों के साथ आएंगे, और एक पूरा तरह से हम एक कंपाइल वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए हम लोग अभी इस सेशन को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि थोड़ा सा आप सभी लोग उससे बेनिफिट ले पाए, और हम लोग अपनी खबर को स्टार्ट करते हैं। आपने थंबनेल में देखा है कि थंबनेल में हम लोगों ने एक चाइनीज रॉकेट को लगाया हुआ है, लेकिन चाइना की चर्चा हम पहले कैसे कर सकते हैं? पहले तो कर ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो हमारे खून में नहीं है, हम हमेशा हमारे लिए इंडिया सर्वोपरि है। तो सबसे पहले हम इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया में क्या हुआ है। इंडिया में क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बात और जान लिया कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पीएम मित्रा, यहाँ पर लिखा हुआ है पीएम मित्रा, पीएम मित्र पार्क इनॉग्रेटेड इन अमरावती महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र का एक जिला है जिसका नाम है अमरावती, वहां पर क्या हुआ है कि एक पीएम मित्र पार्क को इनॉग्रेट किया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है। उसके उद्घाटन का क्या मतलब है बेटा? जय हिंद जय हिंद। जनवरी फरवरी का नहीं आता है सर, हम कवर कर लेंगे जनवरी तक का, लेकिन उतना लंबा आता नहीं है कभी भी, आपकी संतुष्टि के लिए ऐसा कर लेंगे। मुश्किल से पीछे 4 या 5 महीने तक जाता है, हम कहते हैं ना पिछले 6 महीने का, तो ऐसा हम अक्सर क्या करते हैं, कुछ बच्चे जो बच्चे क्या करते हैं कि जो पहला 6 महीने से स्टार्ट होता है, जैसे सितंबर से, अगर सितंबर से हम 6 महीने की ओर जाएंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? मार्च से। ज्यादातर बच्चे मार्च और अप्रैल में अपनी एनर्जी खपा देते हैं, और वहां तक आते आते जून जुलाई तक आते आते जुलाई से लेकर अगस्त तक आते आते अपनी एनर्जी लो कर देते हैं, क्योंकि मार्च अप्रैल की घटनाएं उनको ज्यादा याद हो जाती हैं, जबकि सच में हमको उल्टा करना चाहिए। और आप देखना इसको आपको कितना बेनिफिट मिलता है, तब आप जान पाओगे। ठीक, हाँ रंजन जी, मैंने आपकी बात को रिप्लाई कर दिया है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र के अमरावती जिले में क्या हुआ है कि एक पीएम मित्र पार्क का इनॉग्रेशन किया गया है, यानी उसका उद्घाटन किया गया है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम ये जाने कि पीएम मित्र पार्क क्या है। तो आपको एक बात और दे देते हैं, सूचना के लिए बता देते हैं कि जो पीएम मित्र पार्क है, पूरे देश में कुल 7 पीएम मित्र पार्क की स्थापना की जानी है। कितने? तो आपसे पूछा जाए कितने पीएम मित्र पार्क की स्थापना की जानी है, तो 7 पीएम मित्र पार्क की स्थापना की जानी है, वो भी अलग अलग राज्यों में स्थापना की जानी है। पीएम मित्र पार्क जैसे यूपी में पीएम मित्र पार्क लखनऊ और हरदोई के बीच में स्थापित किया जा रहा है, केवल 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाने हैं। तो आपको अभी तो पता होना चाहिए कि पीएम मित्र पार्क होता क्या है, किसके लिए काम कर रहा है। मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि होता क्या है। पीएम मित्र पार्क यानी ये पीएम के नाम पर है, पहली बात। तो दूसरी बात यह है कि एक ऐसा पार्क है, यहाँ मित्रों की कोई मंडली लगने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कपड़ों से संबंधित टेक्सटाइल रिलेटेड जो फैसिलिटीज हैं, कपड़ों से संबंधित जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को तैयार किया जाएगा, ताकि हम कपड़ा क्षेत्र में यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ा उद्योग में हम लोग अपने आप को अपग्रेड कर पाए। आपने कुछ बार देखा होगा कुछ शब्दों का नाम चलता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल। तो वो जो टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल होते हैं वो क्या होते हैं,
टेक्नोलॉजी जो टेक्सटाइल होते हैं ना, उसमें क्या होता है, जैसे आप मान लीजिए थे कोरोना टाइम पे हमको पीपीई किट की आवश्यकता थी, तो वो पीपीई किट एक तरीके से टेक्नोलॉजी टेक्सटाइल था, यानी तकनीकी वस्त्र था। और विभिन्न जगहों पर तकनीकी वस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर्स के द्वारा किया जाता है। स्पेस सूट जो होता है, यानी स्पेस में हम जो सूट पहन के जाते हैं, वो भी एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल टेक्सटाइल है, यानी तकनीकी वस्त्र है। तो इंडिया तकनीकी वस्त्रों के मामले में पीछे है। तो वस्त्रों से संबंधित उनको कच्चा माल से लेकर के उनकी डिलीवरी तक जितनी सुविधाएं उस क्षेत्र में अवेलेबल हो सकती हैं, उन सारी सुविधाओं को एक जगह इकट्ठा करके उसका नाम दिया गया है पीएम मित्रा पार्क। ठीक, तो चलिए हम लोग इस बार एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं कि पीएम मित्रा पार्क का फुल फॉर्म क्या है, और उसके लिए हमें अगली स्लाइड पर आना होगा। देखें, ये देखें फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर ध्यान रखें क्या फुल फॉर्म रहेगा इसका। देख, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेरल पार्क, पीएम मित्रा पार्क क्या है, आप इसे गौर से सुने। देखें, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेरल पार्क, अपेरल पार्क। ठीक, ये इस देखें पीएम मित्रा फुल फॉर्म हो गई होगी, आपको गौर से देखना है। देखो हो गई क्या, नहीं, MITRA हो गया ना, यहां से पीएम ले लो, फिर मित्र ले लो, फिर पार्क ले लो, और हो गया पीएम मित्र पार्क। तो ये हो गया पीएम मित्र पार्क। हाल ही में ये महाराष्ट्र में इनॉग्रेशन किया गया है इसका, और महाराष्ट्र का जो जिला है जहां पर इसका इनॉग्रेशन किया गया है, वो कहां किया गया है, वो किया गया है महाराष्ट्र के अमरावती जिले में। किसने किया है आपको ये भी ध्यान रखना है। तो एक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम है इस समय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे नाम के व्यक्ति, यानी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन किया हुआ है। ठीक, चलिए जय हिंद, जय हिंद बेटा हरेंद्र जांगू, जय हिंद योगी सर, जिंदाबाद, थैंक यू, मैं जिंदाबाद तो बाद में हूँ, मेजर गलती पहले जिंदाबाद, और हमारा देश जिंदाबाद। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। पीएम मित्र पार्क आपने देख लिया, आपको क्या करना है इसमें, आपको ये जानना है कि कितने पार्क स्थापित किए जाएंगे इंडिया में। टोटल 7 स्थापित किए जाएंगे। अभी हाल ही में कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है, महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र किस जिले में किया गया है, तो अमरावती में किया गया है। किसने किया है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनके द्वारा किया गया है। और आपको क्या याद रखना है कि पीएम मित्रा की, यानी कि पीएम मित्रा पार्क की फुल फॉर्म तो क्या है, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेरल पार्क। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, और आगे बढ़ने पर आपको देख रहा है कि चाइना लॉन्चेस वर्ल्ड फर्स्ट मीथेन फ्यूल स्पेस रॉकेट। चाइना ने अभी मीथेन से चलने वाली रॉकेट को लॉन्च किया है। चाइना लॉन्चेस वर्ल्ड फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट, क्या मतलब बेटा इस बात का कि अभी तक हम जो रॉकेट में ईंधन जो लेते हैं, हो सकता है वो मीथेन नहीं होगी, हो सकता है, नहीं होता ही है, क्योंकि मीथेन अगर होती तो फिर चाइना दुनिया का ऐसा पहला देश नहीं बनता जो मीथेन से चलने वाली रॉकेट को लॉन्च कर रहा होता। यानी यहाँ ये खबर कह रही है, यानी ये न्यूज कह रहा है, करंट की एक न्यूज ये कह रही है कि चीन ऐसा पहला देश बन गया है जिसने अपनी रॉकेट को मीथेन के माध्यम से लॉन्च किया है। यानी मीथेन को एज अ ईंधन, यानी एज अ फ्यूल, एक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया है मीथेन को। और ये दुनिया में ऐसा पहला उदाहरण है कि चाइना ने मीथेन का इस्तेमाल करके, यानी ना तो अभी तक नासा ने किया है, ना ही अभी तक रसिया ने किया है, यानी ना तो यूएसए ने किया, ना रसिया ने किया, ना इंडिया ने किया, ना यूरोपियन यूनियन ने किया। अभी दुनिया में कोई भी देश, कोई भी एजेंसी ऐसी नहीं है जैसे जिसने मीथेन का ईंधन के रूप में प्रयोग करके रॉकेट को लॉन्च किया, लेकिन चाइना ऐसा पहला देश बन चुका है। इसलिए ये खबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हम ये जानेंगे कि मीथेन को इस्तेमाल करने का हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। ठीक, और एक बात और याद रखें कि चाइना की एक कंपनी ने कैरोसिन ऑयल, यानी कि मिट्टी के तेल का प्रयोग करके भी रॉकेट को लॉन्च किया है। तो आप ध्यान रखें कि अभी इसको क्या क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ ये है कि चाइना पहला ऐसा देश बना है जिसने अपनी रॉकेट को मीथेन से चलाया है। और मीथेन के बारे में आप लोग जानते हैं बेटा, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH4 होता है मीथेन। मीथेन एक तरीके से हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोकार्बन फ्यूल है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है और क्या है,
कार्बन भी है, देखें हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं और कार्बन का 1 एटम है, इसलिए मीथेन एक हाइड्रोकार्बन फ्यूल है। और मीथेन को हम लोग और क्या बोलते हैं, मीथेन को हम लोग मार्स गैस भी बोलते हैं, और मीथेन को कहीं से भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। मीथेन के बारे में एक बात और, ये बायोगैस का यानी बायोगैस जो होती है, जो गोबर गैस होती है, बायोगैस का ये प्रमुख तत्व होता है, बायोगैस की प्रमुख गैस यही है। यानी बायोगैस में और भी गैस हो सकती है लेकिन मीथेन उनमें प्रमुख गैस होती है। तो मैंने ये तो मीथेन के बारे में नॉर्मल सी जानकारी दे दी आपको, और ये आपको पता होना चाहिए। और चाइना दुनिया में ऐसा पहला देश बना है, तो चलिए इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। जो चाइना है, चाइना की सरकारी एजेंसी ऐसा नहीं कर रही है, चाइना की जो एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है लैंड स्पेस, इस कंपनी का याद रखें, नाम याद रखें, चाइना की कंपनी लैंड स्पेस ने ऐसा किया है। और उस रॉकेट का नाम क्या है, उस रॉकेट का नाम है झोकी, यानी हम ऐसे ऐसे बोल सकते हैं झोकी, JHOUQUEE, ठीक, ये इस रॉकेट का नाम है। जो रॉकेट अभी चाइना ने यानी चाइना की लैंड स्पेस कंपनी ने मीथेन बेस किया है, यानी मीथेन का इस्तेमाल किया है ईंधन के रूप में, CH4 का इस्तेमाल किया है, उसका नाम क्या है रॉकेट का नाम, तो ये है झोकी, JHOUQUEE। और जिस कंपनी ने किया है चाइना की, उस कंपनी का नाम क्या है बेटा, लैंड स्पेस नाम की कंपनी है। अब आप ये जान लीजिए। और एक बात और, चीन ऐसा पहला देश बन गया है, चीन ऐसा पहला देश बन गया है, चीन ऐसा पहला देश यानी फर्स्ट कंट्री है जिसने रॉकेट में CH4 यानी मीथेन का इस्तेमाल किया है। अभी तक ना ही किसी देश ने, ना ही किसी देश की प्राइवेट कंपनी ने ऐसा किया है, लेकिन चाइना की प्राइवेट कंपनी का नाम लैंड स्पेस है, ऐसा करने वाली पहली कंपनी भी बन गई है, और चीन ऐसा करने वाला पहला देश भी बन गया है। एक बात और जान लीजिए कि ये अभी जो लैंड स्पेस ने जो किया है ना, लैंड स्पेस ने जो किया है, जो कारनामा दिखाया है इस कंपनी ने, ये ऐसा ही नहीं हुआ है, ये सेकंड अटेम्प्ट था इस लैंड स्पेस कंपनी का, सेकंड अटेम्प्ट यानी दूसरे प्रयास में ऐसा कर पाई है। दिसंबर 2022 में भी इसने ये कारनामा करने की कोशिश की थी, इस CH4 वेस्ट यानी कि मीथेन आधारित इस रॉकेट को लॉन्च करने की कोशिश की थी, लेकिन तब ये परीक्षण यानी जो टेस्ट था अनसक्सेसफुल साबित हुआ, असफल साबित हुआ, लेकिन दूसरे प्रयास में सफलता आखिर मिल ही गई। और अगर CH4 का हम आगे अपनी रॉकेट में यूज कर पाते हैं तो हमको इसके कई फायदे होने वाले हैं। सवाल यही है ना कि क्यों उन्होंने CH4 यानी मीथेन का इस्तेमाल किया है, क्या कन्वेंशनल ईंधन जो पारंपरिक ईंधन इस्तेमाल किए जाते थे, जैसे नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता था, हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या वो ईंधन पर्याप्त नहीं है? अगर है तो फिर CH4 का यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्या CH4 उन ईंधनों की तुलना में रॉकेट को लॉन्च करने में हमारे लिए बेहतर है? तो किस मामले में बेहतर है, क्यों बेहतर है, आइए हम इस समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आपने मीथेन के बारे में ये बात जानकारी लिख ली होगी। लैंड स्पेस उस कंपनी का नाम है चीन की, इसने रॉकेट को लॉन्च किया है, रॉकेट का नाम है झोकी, और इस रॉकेट मीथेन पर आधारित है, और चाइना ऐसा पहला देश बना है जिसने रॉकेट पर जिसने रॉकेट को मीथेन बेस्ड तरीके से लॉन्च किया है। चलिए हम लोग अगले PPT पर चलते हैं। देखें यहाँ पर ये बात लिखी हुई है। अब यहाँ पर इस बात आगे पेज खाली है कि नहीं, नहीं, चलिए हम इसी पे बात कर लेते हैं, इसी पेज पे बात करते हैं। चलिए इस पेज पे अगर बात करेंगे, यहाँ पर अगर हम मीथेन, अब आपको पता है कि जो मीथेन है, मीथेन एक ईंधन तो है, नो डाउट फ्यूल है रॉकेट के लिए, लेकिन ये फ्यूल आपको पता है कि कोई भी फ्यूल बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकता। अब रॉकेट में ईंधन भी, ईंधन के साथ साथ आपको ऑक्सीजन भी चाहिए, और ऑक्सीजन को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजर। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजर, क्योंकि बिना ऑक्सीडाइजर के तो ईंधन में आग लग ही नहीं सकती। तो ईंधन में आग लगाने के लिए आपको मीथेन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और कोई भी फ्यूल चाहिए। अब यहाँ से आप क्या करना है, आपको क्या करना है, यहाँ से मीथेन ले लो। यहाँ से क्या हो गया, ये यहाँ से METH ले लिया। अभी जो ऑक्सीजन है, ऐसा तो है नहीं कि इसे ऐसे गैस भर दिया जाएगा, गैस के रूप में भरा भी जाएगा तो भी इसको इतना प्रेशराइज किया जाएगा, इतने कम टेम्परेचर पर लाया जाएगा, लगभग -183 के आसपास इसे किया जाएगा, -183 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लाया जाएगा, उस पर ऑक्सीजन को जब लाएंगे तो ऑक्सीजन ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, तरल अवस्था में आ जाएगी, और उसे एक टैंक में भरना आसान हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब है लिक्विड ऑक्सीजन, क्या है लिक्विड ऑक्सीजन, या हम ऐसे बोल सकते हैं LOX का मतलब क्या है, लिक्विड ऑक्सीडाइजर, LIQUID लिक्विड ऑक्सीडाइजर।
इस लिक्विड ऑक्सीडाइजर का प्रयोग इस मीथेन के साथ किया गया है। तो मीथेन प्लस लिक्विड ऑक्सीडाइजर का नाम क्या हो सकता है? LOX। तो हम ऐसी रॉकेट को जो मीथेन पर आधारित है और जिसमें लिक्विड ऑक्सीडाइजर भरा गया है ऑक्सीजन के रूप में, उसे कहते हैं हम लोग मेथालॉक्स। क्या नाम हो जाता है उसका? मेथालॉक्स। तो आपको ध्यान रखना है कि मेथालॉक्स क्या है। मेथालॉक्स वो रॉकेट होती है जो मीथेन से चलती है। क्या इंडिया में ऐसा हो पा रहा है? हाँ, तो इंडिया भी ऐसा कर रहा है। इसरो प्लान बना रहा है कि हम कैसे मीथेन का उपयोग एज ए फ्यूल कर पाए। ठीक, तो मीथेन का उपयोग हम फ्यूल के रूप में कैसे कर सकते हैं और मीथेन हमारा क्यों उपयोगी है? एक पहली बात तो इसलिए उपयोगी है कि मीथेन को जलाने के बाद जो हमको एनर्जी मिलती है रॉकेट को, वो ज्यादा होती है। और वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि अन्य कन्वेंशनल जो फॉर्म ऑफ फ्यूल है, जो ईंधन के पारंपरिक रूप है, उन पारंपरिक रूपों की तुलना में मीथेन ज्यादा आग पैदा करती है, ज्यादा स्पार्किंग पैदा करती है। तो आपको ज्यादा दूरी तक उड़ान भरने में ऊर्जा मिल पाती है, नंबर वन। नंबर टू है कि मीथेन की उपलब्धता हमारे पास काफी है, वाइड अवेलेबिलिटी ऑफ द मीथेन। मीथेन की व्यापक उपलब्धता है, कूड़े करकट किसी से भी आप मीथेन बना लीजिए तो मीथेन आपको बन जाएगा। तो नंबर दो तो ये हो गया। नंबर तीन ये है कि इसे कैरी करना और इसे स्टोर करना, यानी कि इसे ले जाना और इसका भंडारण करके रखना थोड़ा सा आसान होता है। तो अन्य ईंधन की तुलना में ये ज्यादा आग पैदा करती है, एनर्जी डेंसिटी यानी इसका ऊर्जा घनत्व ज्यादा है, पहली बात। तो हम लोग यहाँ तुलना कर लेते हैं। आपने देख लिया मेथालॉक्स क्या होता है। मेथालॉक्स उस रॉकेट का नाम होता है जो मीथेन पर चलती है। हम इसको हटा देते हैं ताकि बाकी की तुलना कर पाए, आप ये नोट करते जाइएगा। लेकिन ठीक, चलिए, क्या हमारे पास क्या होती है, मीथेन के क्या फायदे हैं अन्य ईंधन की तुलना में। तो मीथेन के हमारा एक तो ये फायदा है कि ये हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, यानी अन्य ईंधनों की तुलना में इसकी जो ऊर्जा होती है वो ज्यादा होती है। हाई एनर्जी डेंसिटी यानी हम ये बोल सकते हैं कि इसका उच्च ऊर्जा घनत्व होता है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि मीथेन को हमें क्यों वरीयता देनी चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि इसका उच्च ऊर्जा घनत्व होता है, दूसरी बात इसकी वाइड अवेलेबिलिटी यानी कि व्यापक उपलब्धता है, ये आसानी से मिलता है नहीं तो बनाया जा सकता है। वाइड अवेलेबिलिटी यानी कि व्यापक उपलब्धता है मीथेन की। और दूसरी बात, जो तीसरी बात हमारे पास, तीसरी बात क्या है कि इसको कैरी करना और स्टोर करना आसान है। कैरी प्लस स्टोर यानी कि लाना प्लस ले जाना प्लस उसका भंडारण, ये दोनों ही क्या है, आसान है अन्य ईंधनों की तुलना में। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, लोग मीथेन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और ये नई बात नहीं होगी, बहुत जल्दी ही इसरो मीथेन बेस रॉकेट लॉन्च करेगा और हो सकता है कि पहला तो देश चाइना बन ही गया है इस मामले में, लेकिन इसरो जो है, इसरो हो सकता है निश्चित रूप से भारत को दूसरा देश साबित कर सकता है मीथेन बेस्ड रॉकेट को लॉन्च करने में। तो चलिए हम लोग अब अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। और हमारी अगली खबर क्या है आपके लिए, आप ये पहले चाइना का मैप देख लीजिए। चाइना का मैप को अगर एक बार देखेंगे गौर से तो आप कुछ निष्कर्षों पर पहुंचेंगे। किस निष्कर्ष पर? चाइना की ऊपरी सीमा किससे लगी हुई है? चाइना की ऊपरी सीमा मंगोलिया से लगी हुई है। मंगोलिया की हमने कल भी चर्चा की थी, क्योंकि मंगोलिया के साथ इंडिया का एक एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, युद्ध अभ्यास होता है, सैन्य अभ्यास होता है, उसको बोलते हैं नोमैडिक एलिफेंट। और मंगोलिया की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? उलनबटोर। चाइना को देखो, चाइना की राजधानी किर्गिस्तान से लगती है, चाइना की राजधानी कजाकिस्तान से लगती है। और एक बात और ध्यान रखें, यहाँ पर एक मैप में बताया गया है कजाकिस्तान में ही लेक बालखस है। इस बालखस झील के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पर देखें, ये नेपाल है चाइना के बगल में, ये भूटान है, और अपना ये इंडिया है, फिर ये म्यांमार है, और ये देखो यहाँ वियतनाम। और वियतनाम की राजधानी कहाँ होती है बेटा? ये है हनोई में। और फिर देखो ये लाओस देश है, लाओस की राजधानी कहाँ होती है? वियतनाम। तो आप इन छोटे छोटे देशों की राजधानी याद करके रखें। यहाँ देखें आप जिस हांगकांग के सपने देखते हैं, तो हांगकांग चाइना के अंडर में ही आता है। हांगकांग के नीचे लिखा हुआ है SAR, इसका मतलब होता है कि चाइना के लिए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, ठीक, हांगकांग। और ये देखो ताइवान के साथ जो चाइना की लड़ाई होती रहती है, ये है ताइवान। और यहाँ पर है ये फिलीपींस, और फिलीपींस की राजधानी ये मनीला है। और आपको पता है फिलीपींस की राजधानी मनीला में क्या है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इस फिलीपींस की राजधानी मनीला में ही है। तो हम लोगों ने इतनी सी बात कर ली है, चलिए अब हम लोग अपनी अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आप अगर डेली इस करंट अफेयर की क्लास को देखते हैं तो आपको ये छोटी छोटी बातें तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। एक बात और है,
आपके लिए गर्व की बात है और आपको गर्व करना चाहिए, गर्व इस बात का करना चाहिए कि हमारे एथलेटिक्स अजीत सिंह जी ने क्या किया है, वो हमारे पैरा एथलेटिक्स हैं, यानी कि वो दिव्यांग हैं। दिव्यांग जो लोग नहीं जानते वो लोग समझ लीजिए कि दिव्यांग भारत में उन लोगों को कहा जाता है जो विकलांग श्रेणी में है, ठीक, जो विकलांग श्रेणी में है। तो उन पैरा एथलेटिक्स में, उस पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो पेरिस में हो रही है, उसमें क्या किया है, उसमें अजीत सिंह ने गोल्ड जीता है। अजीत सिंह ने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। तो जो गोल्ड मेडल जीता है, आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि अजीत सिंह जी हैं, अजीत सिंह ने पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो पेरिस में आयोजित की जा रही है, पेरिस कहाँ की राजधानी है, फ्रांस की, अजीत सिंह ने यहाँ पर क्या जीता है, गोल्ड जीता है। अजीत सिंह की उम्र भी अभी ज्यादा नहीं है, बस मुश्किल से कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 29 ईयर्स है। तो आपको इस खबर में इतना ही याद रखना है क्योंकि यूपीएससी आपसे इतना ही पूछने वाला है अपने एग्जाम में, किसी भी करंट अफेयर क्लास में, ठीक है, किसी भी पेपर में। अजीत सिंह ने गोल्ड जीता है। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा भी जाए बाई चांस कि किसको हराया है, तो चीन का हराया, तो हराने की बात मामला नहीं है, यहाँ तो ऐसा मामला हो नहीं सकता हराने को। आप देख लें कि क्या हुआ है। देखो, जो भारत के ही दूसरे व्यक्ति हैं, रिंकू सेकंड नंबर पर आए हैं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इनसे हार गए हैं, तो ऐसा नहीं बोलेंगे। एथलीट रिंकू दूसरे नंबर पर आए हैं। इन्होंने अभी तक चीन का एक व्यक्ति था जिसका नाम था चुन लियांग गुओ। क्या नाम था उसका? चुन लियांग गुओ। यहाँ देखें, चुन लियांग गुओ, यानी चीन का एक व्यक्ति था चुन लियांग गुओ। उसका जो रिकॉर्ड था, उसको रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। और हमारे अजीत सिंह जी ने जो जेवलिन थ्रो, जो भाला फेंका है, वो 65.5 इतने मीटर तक फेंका है, यानी इतना लंबा फेंका है जेवलिन थ्रो। तो आपसे पूछा था अजीत सिंह किस खेल से संबंधित है, तो आप इतना भी ध्यान रखें कि जो अजीत सिंह है वो अजीत सिंह जेवलिन थ्रो संबंधित है और पैरा एथलीट है इंडिया के। और उन्होंने अभी पेरिस में जो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही है, उस पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। और भारत के ही एथलीट रिंकू जी ने, यानी जो पैरा एथलीट है रिंकू ने, क्या किया है, सेकंड नंबर पर रजत पदक जीता है, सेकंड नंबर पर आकर के। ठीक, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखें, हमारे पास एक खबर और है, और इस खबर को बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। यहां से पक्का सवाल आने वाला है और आएगा ही। जो तमिलनाडु है, जो तमिलनाडु स्टेट है, तमिलनाडु राजधानी कहाँ है? तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणतम स्टेट है, यानी कि सबसे सदर्न मोस्ट स्टेट है तमिलनाडु। जो तमिलनाडु की राजधानी है वो चेन्नई में है। तमिलनाडु ने क्या किया है, नीति आयोग ने अभी एक इंडेक्स जारी किया है, और उस इंडेक्स का नाम है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2022, यानी कि निर्यात तैयारी सूचकांक 2022। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? निर्यात तैयारी, निर्यात तैयारी सूचकांक 2022। तो ध्यान रखें, सूचकांक 2022 का है, क्योंकि आंकड़े हमने 2022 के इकट्ठे किए होंगे, तब 2023 में नीति आयोग ने इसे जारी किया है। तो यहां से क्या सवाल बन सकता है? एक सवाल तो ये बनेगा बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक सवाल तो इसमें सिंपल ये बनेगा कि ये इंडेक्स किसने जारी किया है, तो एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2022 को नीति आयोग ने जारी किया है। दूसरी बात ये बनेगा कि इसमें किसने टॉप किया है, तो उसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु होगा। ठीक, अब देखते हैं हम लोग अपनी अगली खबर पर। अगली खबर पर जाने से पहले एक बार आपको और जान लेते हैं, कुछ और बातें करते हैं इसके बारे में। जो एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स होता है, यानी जो निर्यात तैयारी सूचकांक है, एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स होता है, इस इंडेक्स में क्या होता है कि जो नीति आयोग है वो ये असेस करता है, यानी इस बात का मूल्यांकन करता है कि कौन सा राज्य कितना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है, बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है, जिससे कि इंडिया के एक्सपोर्ट को और ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, हम बढ़ावा दे सके। तो इंडिया का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए किस राज्य ने कितनी तैयारी करके रखी हुई है, कितना राज्य वो प्रिपेयर है, तो तमिलनाडु इस मामले में अव्वल नंबर पर है। एक बात और बता दें कि भारत में ये सर्वे कुल 680 जिलों में किया गया है, 680 डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। 680 जिलों में से सिर्फ ऊपर के टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, ध्यान से सुना इस बात को, कि 680 जिलों में से, यानी ये सर्वे कितने में किया गया है, 680 जिलों में किया गया है। 680 जिलों में जो सर्वे किया गया, उसमें ये देखा गया कि 680 जिलों में से ऊपर के जो टॉप 100 जिले हैं, इन टॉप 100 जिलों ने ही कुल निर्यात का 87% कंट्रीब्यूशन किया है,
यानी भारत से जो चीजें बेची जाती हैं कुल एक्सपोर्ट जितना होता है, अगर उसको 100% मान लें तो हमारे 680 जिलों में से ऊपर के जो 100 जिले हैं 87% योगदान तो उन्हीं का है। और ये सोचने वाली बात है, क्योंकि ये क्या है, ये इनइक्वलिटी की ओर इशारा कर रहा है, ये असमानता की ओर इशारा कर रहा है कि कुछ राज्य तो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट बहुत बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं और कुछ एकदम खराब स्थिति में है। तो प्रिपेयरनेस इंडेक्स में जिसने टॉप किया है वो कौन है, वो तमिलनाडु है। तो चलिए अब हम लोग अपनी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और इस खबर में हमारे जानने लायक कुछ भी नहीं है, ये डिटेल आप पढ़ते रहिएगा। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पर हम लोग गौर करते हैं, हमारे पास क्या सवाल है। पहला सवाल यह है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। विच स्टेट और यूटी अप्रूव्ड द प्रपोजल टू स्टार्ट टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस प्रोग्राम, यानी टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस प्रोग्राम। आपसे TIE की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो आप ध्यान रखें TIE की फुल फॉर्म क्या है, टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है कि टीचर्स को इस तरीके से इंटरेक्ट कराया जाएगा, टीचर्स को इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो एक्सीलेंस यानी सर्वश्रेष्ठता की ओर बढ़ें। और उसके लिए ये मंजूरी किस राज्य ने दी है, भी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत हैं, अशोक गहलोत ने इसके लिए फंड की मंजूरी कर दी है और इस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है, यानी इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। तो आंसर ध्यान रखिएगा कि राजस्थान ने अभी हाल ही में क्या किया है, टीचर इंटरफेस फॉर एक्सीलेंस प्रोग्राम को मंजूरी दी है, TIE। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, और हमारा अगला सवाल आपके लिए ये है, सेकंड क्वेश्चन, ये यहाँ पर व्याख्या दे रखी है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा, ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। विल्नियस विच होस्टेड द नाटो समिट इज इन विच कंट्री। विल्नियस जो कि नाटो ने, नाटो की उसने अभी शिखर सम्मेलन किया है, जहां नाटो का शिखर सम्मेलन हुआ है, विल्नियस किस देश में है। तो ये एक शहर का नाम है और ये शहर काफी फेमस होगा, इसलिए नाम पूछा गया है और पूछा है कि किस देश में है। ठीक सर, हिंदी में भी लाया करिए, क्या लेके आए बेटा हिंदी में बताइए फटाफट, सौरभ जी बताइए हिंदी में क्या लेके आए, मैटर हिंदी में भी लिखा रहता है, अंग्रेजी में भी लिखा रहता है, अब आपकी बातों को बिल्कुल सर आंखों पर रखेंगे, बताइए फटाफट बताइए कमेंट करके कि किस बात की आप हिंदी में बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास PPT तो पहुंच जाती होगी PDF के फॉर्म में, अगर नहीं पहुंचती है तो हम कहेंगे टेक्निकल टीम से कि वो आपको कमेंट बॉक्स में ये वाली चीजें डली पड़ी भी होंगी, टेलीग्राम का लिंक पड़ा होगा तो आप उस पर जाइए, आपको ये PPT मिल जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप इस क्लास में से कितनी चीजें नोट करते हैं बेटा, बहुत ज्यादा कॉपी किताबें, बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ने से ऐसा कभी कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर हम आपको जो बोल के बता रहे हैं वही आपको पढ़ना पड़ेगा, और बहुत लंबे समय में आपको पढ़ना पड़ेगा फिर, ठीक, उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो यहाँ से मुख्य मुख्य पॉइंट क्या है वो हम हमेशा आपको बिना स्क्रीन को देखे हुए बताते रहते हैं, ठीक, क्योंकि वो पढ़ने का काम तो वो आप बाद में करते रहिएगा, हमें पहले एग्जाम क्रैक करना है, और एग्जाम क्रैक करने के लिए हमें हमारे दिमाग में हमेशा हिट पॉइंट और फोकल पॉइंट रहना चाहिए, ठीक। तो आप बिल्कुल क्लास के साथ हमेशा बने रहिए, और आपकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को, क्या रहता है बेटा सर ओनली इंग्लिश में, क्या रहता है ओनली इंग्लिश में, ऐसा तो कुछ नहीं है, PPT हिंदी और इंग्लिश में भी है, सवाल भी ऐसे ये देखें। विनियस जिसने नाटो शिखर सम्मेलन की मेजबानी की किस देश में है, तो आपसे इतना ही पूछा है, हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी है, हिंदी अंग्रेजी की कोई समस्या नहीं है, हम लोग हिंदी से भी उतना ही प्यार करते हैं, ठीक है, हिंदी तो हमारे देश की एक प्रमुख भाषा भी है। चलिए देखें इसका जो ऑप्शन है वो है UK, जर्मनी, लिथुआनिया, फिलीपींस। तो UK की राजधानी तो लंदन है, जर्मनी की तो कुछ और ही है, लिथुआनिया की भी कुछ और ही है, फिलीपींस की भी कुछ और ही है, वो तो हम अभी बता भी चुके हैं। यहाँ पर जो इसका सही जवाब है वो है लिथुआनिया की राजधानी, लिथुआनिया की जो राजधानी है उसका नाम है विल्नियस। लिथुआनिया की राजधानी क्या है बेटा, उसका नाम है विल्नियस, लिथुआनिया की राजधानी का नाम है विल्नियस, विल्नियस है लिथुआनिया की राजधानी, और जो लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस है यहाँ पर अभी नाटो का शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, ठीक। जो नाटो है इसका जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या है इसका फुल फॉर्म, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये उसका फुल फॉर्म है ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नाटो क्या है, कैसे काम करता है, हम इस पर एक दिन सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे, ठीक, और नाटो की भूमिका क्या है यूक्रेन और रूस के युद्ध में,
क्या नाटो ने उकसाया है यूक्रेन को, या यूक्रेन को क्या मदद कर रहा है? रूस और नाटो के बीच में क्या संबंध है? यूक्रेन का और नाटो का क्या संबंध है? नाटो रूस के इतने बगल में क्यों आ रहा है? नाटो का भारत के साथ क्या भूमिका है? हम इन सभी मुद्दों पर एक दिन चर्चा करेंगे, ठीक? तो एक दिन आपके लिए उसको वीडियो लेके आएंगे। तो नाटो की जो भी बैठक हो रही है, शिखर सम्मेलन सम्मिट हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में हो रहा है, ठीक? लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, एक बात और जान लें, एक तुम्हारे पास देश हो गया लिथुआनिया। एक इंफॉर्मेशन देते हैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक देश हो गया लिथुआनिया, दूसरा हो गया लाटविया और तीसरा देश हो गया एस्टोनिया। इन तीनों देशों को मिलाकर के बेटा हम लोग क्या कहते हैं, इन तीनों देशों को मिलाकर के हम लोग एक नाम देते हैं, और वो नाम है इन तीनों को क्या कहते हैं, बाल्टिक स्टेट। हम इनको बोलते हैं बाल्टिक स्टेट। हम इनको बाल्टिक स्टेट क्यों बोलते हैं या बाल्टिक देश क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं बाल्टिक देश या बाल्टिक स्टेट क्योंकि ये तीनों के तीनों बाल्टिक सी यानी बाल्टिक सागर के तट पर हैं। कहाँ है ये तीनों के तीनों? बाल्टिक सागर से इनकी सीमा लगी हुई है, बाल्टिक सागर की सीमा पर हैं तीनों, इसलिए इन तीनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं हम लोग, बाल्टिक स्टेट। बाल्टिक सागर की ये सीमा पर है, ठीक? और बाल्टिक सागर किस महासागर में आता है? तो ये अटलांटिक महासागर का पार्ट होता है। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये ध्यान रखें, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, इन तीनों को मिलाकर के क्या बोलते हैं? बाल्टिक स्टेट बोलते हैं। लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस में ही अभी नाटो का समिट यानी कि नाटो का शिखर सम्मेलन हुआ है, इसलिए खबरों में था। चलिए हम लोग इसे हटाते हैं। इन तीनों देशों का नाम जरूर याद रखें, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, इसको बिल्कुल ना भूलना क्योंकि ये सवाल कई बार पूछा भी गया है आपसे, ठीक? चलिए अगला सवाल देखें हमारा। अगला सवाल क्या है? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ रुपए में व्यापार लेन देन शुरू किया है? यानी कि अब भारत सोच रहा है कि हमको व्यापार का जो लेन देन है वो हमेशा डॉलर में ही क्यों करना चाहिए, ठीक है? सर ये पिक्चर वाली न्यूज रहती है। अच्छा, सर पॉवर्टी इंडेक्स भी जारी किया गया है ना सर? हाँ बेटा रंजन, हम बहुत जल्दी ही इन सब पर एक एक करके हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको थोड़ा कुछ प्रमुख मुद्दों पर वो हो जाए। हाँ ठीक है बेटा सौरभ, हम इस बोल देंगे पीपीटी तैयार करते समय इसमें हिंदी का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? डोंट वरी, आपकी हमें भावनाओं का पूरा ख्याल है और हम आपके लिए ही हैं। अगर आपकी बात नहीं सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा? आपका किसी भी रूप में, किसी भी भाषा से, किसी भी मीडियम से कल्याण होना चाहिए और हम देश में उस सिक्योरिटी फोर्सेस के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं जहां पर भारत की जबरदस्त सेना होती है। भारत की सेना के आगे अच्छे अच्छे लोग कांपने लगते हैं, ठीक? चाहे भारत, क्योंकि भारत की सेना के पास जो जोश होता है, जो उत्साह होता है, जो साहस होता है, जो करेज होता है, वो दुनिया में कहीं भी नहीं होता। कई बार बड़े बड़े डिप्लोमेट्स ने कहा है, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों और कूटनीतिज्ञों ने ऐसी बात कही है कि अगर कोई मुझे भारत की सेना दे दे तो मैं पूरी दुनिया जीत के दिखा सकता हूँ। लेकिन हम एक शांतिपूर्ण देश और बुद्ध और गांधी की भूमि वाले देश हैं जहाँ पर हमेशा अपनी रक्षा के लिए सेना खड़ी की जाती है, न कि दूसरे पर आक्रमण करने के लिए। नहीं तो अगर भारत की अगर स्थिति ऐसी रही होती कि हमें दूसरों को मारने की आदत होती, तो सच बात यह है कि भारत की सेना इतनी काबिल है अंदर से, टेक्नोलॉजी की बात छोड़ो, अंदर से यहाँ की जो सेना होती है, यहाँ के जो सोल्जर्स होते हैं, वो इतने साहसी होते हैं कि वो कहीं भी किसी भी स्थिति में रहने के लिए, चढ़ने के लिए तैयार होते हैं, ठीक? तो अभी आप देखिए, हम ज्यादातर जो व्यापार करते हैं दूसरे देशों के साथ वो क्या होता है, हम डॉलर में लेन देन करते हैं। हम खरीदेंगे आपसे तो हम आपको डॉलर में पेमेंट करेंगे किसी भी देश के साथ, ठीक? अगर हम बेचते हैं तो हम डॉलर में ही भुगतान लेंगे, डॉलर में ही लेना है, डॉलर में ही देना है। इसका क्या मतलब है कि फिर तो डॉलर को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। तो अब इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया अपनी न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत, भारत की जो न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है यानी नई विदेश व्यापार नीति है, जो भारत की जो नई विदेश व्यापार नीति जो नई वाली है, वो 1 अप्रैल 2023 से भारत में लागू की गई है। और उसका एक लक्ष्य ये भी है कि अब डॉलर की बजाय भारत 1 अप्रैल 2023 से लागू, ठीक? ये नई व्यापार नीति, और कब तक लागू रहेगी बेटा, 2030 तक ये लागू रहेगी, 2030 तक ये लागू रहेगी। इसमें क्या कहा गया है कि अब भारत को डॉलर की बजाय, या डॉलर को ऐसा नहीं हम डॉलर के वो कोई बेइज्जती कर रहे हैं, हाँ लेकिन हम अपना तो भला चाहेंगे ही। और अब इंडिया ये कर रहा है कि दुनिया के जितने भी देशों के साथ हमारे व्यापार समझौते हों, ट्रेड एग्रीमेंट हों, तो उन ट्रेड एग्रीमेंट में एक एग्रीमेंट ये भी हो कि हम अब इंडिया के रुपए में लेन देन एक्सेप्ट करेंगे, ठीक? तो ये जो समझौता है वो किसके साथ किया है भारत ने हाल ही में, तो वो देश है अपना पड़ोसी जिसकी राजधानी है ढाका। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा बांग्लादेश।
आंसर क्या होगा इसका? बांग्लादेश। ठीक, तो अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, हम लोगों ने मैंने पीपीटी देखा था। तो आज के लिए इस क्लास में आप सभी लोगों के लिए इतना ही है, आगे की कल की क्लास के लिए आप इंतजार कीजिए। और बिल्कुल ना भूलिए, नई नई खबरों के साथ, नए नए आपके क्वेश्चन पैटर्न के साथ हम लोग आपके लिए आते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, बांग्लादेश बिल्कुल, प्रभात कुमार। चलिए तो कल हम मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए आप अपने दोस्तों को बताइए, करंट अफेयर्स की क्लास को सुबह 7 बजे शेड्यूल किया गया है और वो आके सभी देखें, लाइव जुड़ना ना भूलें, क्योंकि आपकी बहुत सारी जो क्वेरीज हैं उनका यहाँ से आंसर किया जा सकता है किसी भी रूप में। आप किसी भी बात के लिए, आपका अगर कोई सुझाव लगता है कि हमें ये शामिल करना चाहिए, तो हमें आपके सुझाव स्वीकार हैं, हम हमेशा ही इम्प्रूवमेंट की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।